नमस्कार, स्वागत है आपके अपने मिक्स रसोई रेसिपी चैनल में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। आज हम लेके आए तोरई की सब्जी, जो कि खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है। इसमें काफ़ी सारे साथ ही इसमें काफ़ी सारे विटामिन होते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस सब्जी को हम बिना तेल, बिना लहसुन, बिना प्याज के हम इस सब्जी को बनाएंगे। हमने यहाँ पे 500 ग्राम तोरई ली। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके की तुरई ले लें। आप मोटी तुरई ना लें, पतली तुरई लें। इससे आज काफ़ी अच्छी सब्जी बनती है, क्योंकि मोटी तुरई में जालियाँ होती हैं। सबसे पहले इन तुरई को अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद में इनका जो पीछे का हिस्सा है, आगे पीछे का, उन काट लेंगे। आप चाहें तो इसे चाकू की सहायता से भी छील सकते हैं। तो आप एक छलनी की सहायता से, ग्रेटर की मदद से, जिसमें पीछे लगा होता है छलनी, उससे आप छील सकते हैं। छीलने के बाद इन्हें अच्छे से धो लें। तो हमने यहाँ पर तुरई छील लिए, इनको हम काट लेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो गोल में भी काट सकते हैं। सारी तुरई काट ली है। आप चाहें तो अपने चॉइस के हिसाब से काट सकती हैं, लेकिन गोल काटने से जो इसकी सब्जी है वो काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। ऐसे ही सारी तुरइयों को काट लें। तोरई कट चुकी हैं। देखिए इस तरीके की तोरई हमने काट ली। ज़्यादा पतली भी नहीं, ज़्यादा मोटी भी नहीं है। यहाँ पे हमने एक कुकर लिया है। कुकर में थोड़ा सा जीरा डालेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च डालने के बाद बाद में से टमाटर डालेंगे, जिनको हमने छील लिया था चाकू की सहायता से। बारीक बारीक काट लिए टमाटर। टमाटर डालने के बाद में इसमें हम तुरई डालेंगे। हमने जो तुरई काटी थी उनको डाल देते हैं। तुरई डालने के बाद टमाटर, हरी मिर्च को अच्छे से मिक्स कर लें। ये सब्जी बहुत ही हेल्दी होती है, आप अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। तुरैया अच्छे से मिक्स करें, ताकि जो टमाटर का टेस्ट है वो तुरैया में आ जाए, हरी मिर्च का टेस्ट है। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ पर हम आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी नमक को अच्छे से मिक्स करें, ताकि जो हल्दी नमक का फ्लेवर टेस्ट है वो हमारी सब्जी में अच्छे से आ जाए। अब हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि तुरई बहुत पानी छोड़ती। हमने यहाँ पे एक चम्मच घी का यूज़ किया है, मैं तेल का यूज़ नहीं किया है इस सब्जी में। तो हमने यहाँ पे सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे। इस सब्जी को हम लो फ्लेम पर पकाएंगे, हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे। इस सब्जी में हम एक सीटी लगाएंगे। तो एक सीटी आ चुकी है, सब्जी चेक कर ले। देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्जी बनी है, खिली खिली। इसे हम धनिया से गार्निश करेंगे, हरी मिर्च डालेंगे। यहाँ पे हम थोड़े खीरे रखेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं आपको हमारे तोरई की सब्जी बिना तेल की कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।